हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रेजी ट्रॉनिक्स। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइम फंक्शन के बारे में, जिसमें हम देखेंगे डिले फंक्शन और डिले माइक्रोसेकंड फंक्शन के बारे में। तो हम शुरू करते हैं डिले फंक्शन से। डिले फंक्शन प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को एक टाइम के लिए स्टॉप करके रखता है, और ये टाइम हमें डिले फंक्शन के अंदर ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। ये जो आप ब्रैकेट देख रहे हैं, इसके अंदर हमें टाइम लिखना पड़ता है कि हमें कितने टाइम तक प्रोग्राम को स्टॉप करके रखना है। उसके बाद में डिले फंक्शन का सिंटेक्स रहता है डिले, और ब्रैकेट के अंदर आपको एक आर्गुमेंट लिखना पड़ता है जो रहता है टाइम। दोस्तों, इसमें आपको एक बात याद रखना पड़ेगा कि इसके अंदर जो आप टाइम लिखेंगे, ये टाइम आपको मिली सेकेंड में लिखना पड़ेगा, और एक सेकेंड में रहते 1000 मिली सेकेंड। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इसमें जो भी टाइम लिखेंगे वो आपको मिली सेकेंड में लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर मुझे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को एक सेकेंड के लिए स्टॉप करके रखना है, तो मैं लिखूँगा डिले 1000, क्योंकि एक सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड होते हैं, और मुझे यहाँ पर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को एक सेकेंड के लिए स्टॉप करना है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा डिले 1000। तो ये हमने देख लिए डिले फंक्शन के बारे में। अब हम देखते हैं डिले माइक्रोसेकंड फंक्शन के बारे में। जिस तरह से डिले फंक्शन प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर रहा था, ठीक उसी तरह से डिले माइक्रोसेकंड फंक्शन भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को स्टॉप करता है, लेकिन इसके अंदर हमें जो टाइम लिखना पड़ता है वो माइक्रोसेकंड में लिखना पड़ता है। इसका सिंटेक्स रहता है डिले माइक्रोसेकंड, और यहाँ पर माइक्रोसेकंड का जो एम है वो कैपिटल रहना चाहिए, और ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना पड़ता है टाइम, और ये टाइम आपको लिखना पड़ेगा माइक्रोसेकंड में। दोस्तों, आपको इन दोनों के बीच में बस यही डिफरेंस याद रखना है कि डिले में आप जो समय लिखेंगे वो आपको मिलीसेकंड में लिखना है, और डिले माइक्रोसेकंड में आप जो टाइम लिखेंगे वो टाइम आपको माइक्रोसेकंड में लिखना है। इसके अलावा इन दोनों में कोई और डिफरेंस नहीं है। दोस्तों, इस तरह से हमने देख लिए डिले और डिले माइक्रोसेकंड फंक्शन के बारे में। इसका यूज़ प्रोग्राम में किस तरह करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने डिले और डिले माइक्रोसेकंड फंक्शन के बारे में देखे। पिछले वीडियो में हमने डिजिटल इनपुट आउटपुट फंक्शन के बारे में देखे थे। तो पिछली वीडियो और इस वीडियो दोनों का यूज़ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें कि हम आर्डुइनो की हेल्प से एक LED को ब्लिंक करेंगे। तो दोनों ट्यूटोरियल आपको अच्छे से अगर समझ में आ गए होंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम प्रोग्राम करेंगे तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हम इसी तरह के आर्डुइनो के ट्यूटोरियल की वीडियो जब भी अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।